स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद आशीष गुप्ता पर। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको अलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट आई थी 2021 में, उसके पेपर इसी महीने में होने हैं और उसी के बारे में बताएंगे हम कि क्या क्या सिलेबस है और कितने पार्ट में होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो अलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट आई थी, इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये हम बता दें कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट आई थी वो ग्रुप सी की है, पोस्ट है, और आरओ एआरओ की भी पोस्ट आई थी। तो लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट के सिलेबस के और पेपर पैटर्न पे कैसे कैसे कितने पार्ट में होना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जो ये पोस्ट आई है बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और बहुत ही फास्ट इसका मतलब प्रोसेस है, और कह सकते हैं कि एक ही दिन में इसका सब कुछ होना है, पेपर भी होना है, टाइपिंग टेस्ट भी होना है। उसी दिन पेपर होगा और उसके बीच में 15 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा रेस्ट के लिए, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें उसके बाद फिर कट ऑफ आएगी, उसके बाद सिलेक्शन है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है और डायरेक्ट सिलेक्शन है उसमें। हाँ, कुछ थोड़ा मेडिकल वगैरह लेंगे, देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी डायरेक्ट भर्ती है इसमें। और काफी अच्छी पोस्ट है सरकारी जॉब पाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर असिस्टेंट जो है वो एक करियर पोस्ट है और बढ़िया है, और इसमें कंपटीशन भी देखने को कम मिल सकता है। तो हम बात करेंगे कि क्या पैटर्न है, कितने भाग में इसका पेपर होना है। दोस्तों इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो उसमें सिलेक्शन होना है, पेपर होना है, और दोनों जो है कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पार्ट ए में क्या है, टाइप है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चंस होंगे। और इसका जो मोड एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कराती है इसको हर बार, वही आज इस बार करवा रही है, एनटीए एनटीए एग्जाम करा रही है 200। और इसमें टोटल मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस होंगे, और पर क्वेश्चन वन मार्क का होगा पर क्वेश्चन, वन मार्क का होगा, और टोटल मार्क्स 200 अंकों का होगा। टोटल कितने हैं, 200 मार्क का होगा, और ड्यूरेशन होगी 3 घंटे या 180 मिनट। तो दोस्तों जो पहला पार्ट है पार्ट ए, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे 200, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और इसमें जो समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे का। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बढ़िया अच्छे से करके आना, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अभी भी थोड़ा समय है। और इसमें अच्छी बात है नो निगेटिव मार्किंग, बढ़िया अच्छे से अटेंड करना, और ये हो जाएगा पार्ट ए। इसके बाद दोस्तों 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा पार्ट बी में क्या होगा, ये टाइप क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, ये इंग्लिश में होगा, और मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 50 मार्क का होगा। टोटल कितने मार्क होगा, 50 मार्क का, और इसमें ड्यूरेशन होगा 20 मिनट का होगा जो पार्ट बी है, 20 मिनट का होगा, 50 मार्क का, और सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, और इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, पैराग्राफ दिया गया होगा उसमें टाइप करना होगा, उसमें समय चल रहा होगा, तो 20 मिनट का ये टाइम दिया गया है। और इसमें क्या है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी जो है नो निगेटिव मार्किंग,
नो निगेटिव मार्किंग। और इसमें क्या है, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, क्या नाम है, जो मिनिमम कट ऑफ है इसकी 25 मार्क, मतलब 50 नंबर में से 50 मार्क में से 25 मार्क्स इसकी कट ऑफ है। इसमें कोई अभी कट ऑफ नहीं दी गई है, 200 में से कितने लाने हैं, क्या कट ऑफ बनेगी, इसमें कोई कट ऑफ नहीं दी गई है। और इसमें 50 में से 25 मार्क की कट ऑफ दी गई है जो इसे क्वालिफाई करेगा, ये मिनिमम मार्क्स है। ये दोस्तों है कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर का प्रोसेस, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट इसमें भर्ती है, बस पार्ट ए टेस्ट होगा और पार्ट बी होगा। अच्छे से दोस्तों करिएगा इसे, अच्छी टाइपिंग टेस्ट अच्छी होनी चाहिए। और इसमें क्या है, 25 वर्ड, इसमें दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट, पच्चीस वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग टेस्ट स्पीड मांगी गई है। और इसमें 500 एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 500 वर्ड, 500 भी हो सकते हैं या 500 से भी ज्यादा हो सकते हैं, उसको टाइप करना होगा, टाइप करना होगा 25 वर्ड पर मिनट। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने के लिए, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और इसका स्केल भी काफी अच्छा है। अगर इसकी सैलरी की स्टार्टिंग बात करें तो लगभग 28,000 है, लेकिन अगर जितने भी भत्ते मिलते हैं उनको मिला के देखा जाए तो स्टार्टिंग जो होगी इसकी 30,000 से स्टार्टिंग होगी, और 30,000 से स्टार्टिंग, और अगर जो मैक्सिमम जा सकती है वो 86 या 90,000 90,000 के आसपास मैक्सिमम सैलरी जा सकती है, और काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। अच्छी बात यह है कि ये सरकारी जॉब है और काफी अच्छा इसका प्रोसेस है, पार्ट ए पार्ट बी में, और काफी फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, इसका जो है जो प्रोसेस सिलेक्शन है काफी फास्ट है दोस्तों, काफी जल्दी होता है, कोई डिले नहीं होता है और काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों और बात करें अगर हम इसमें पार्ट ए में, पार्ट ए में जो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें वो पूछे जाते हैं जनरल हिंदी होती है, जनरल इंग्लिश होती है, और जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होते हैं, और मैथ की अगर बात करें तो मैथ ना के बराबर होती है इसमें। अच्छी बात यह भी है जिनको अगर जैसे मैथ ना आती हो या कम आती हो तो इसमें मैथ ना के बराबर आती है, यह है कि अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं, अगर थोड़ी भी आप मेहनत किए होंगे तो अच्छे से ये पेपर निकाल सकते हैं। और इसके बाद इस ये दोनों पार्ट ए बी और पार्ट दो बी दोनों पेपर होने के बाद इसकी एक फाइनल कट ऑफ आएगी, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, उसी के आधार पर चयन होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।